हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी होस्ट उस्मा शेख। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। इस खूबसूरत दुआ के साथ आज मैं आपके साथ मीठी से रेसिपी मीठे पराठे की शेयर करूँगी, जो बहुत ही मज़ेदार और मीठे मीठे से होते हैं, जो बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद होते हैं और बारिश के सीज़न में तो बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। चूँकि आजकल बारिशों का मौसम है तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस रेसिपी को शेयर किया जाए, तो आप इसे ज़रूर बनाएं और बहुत ही आसान तरीके से झटपट तैयार होने वाले पराठे मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चले आए पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते जाते हैं। जी तो फ्रेंड्स, पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। ये फाइन आटा है हमारे पास चक्की का, जो आम तौर पर घरों पर यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल वही आटा है। तो इसमें हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें सॉल्ट शामिल कर देंगे और 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। इससे ये होगा हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त सॉफ्ट बनेंगे। तो आप पराठों के लिए इसी तरह स्पेशल अलग से आटा गूंदा करें, तो उससे ये होता है कि पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा डाल पानी डाल के इसमें नॉर्मल इसको आटे की तरह हम गूंद देंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमने अपना आटा गूंद लिया है। इसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे, उसके बाद इसके पराठे बनाना स्टार्ट करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे आटे को रेस्ट आ गया है, इसके हम अब पेड़े बना लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, हमने ये 2 पेड़े बनाए हैं, आप चाहें तो जितने मर्जी कर सकते हैं। इन पेड़ों को हम थोड़ा सा बेल लेंगे। बिल्कुल इसको गोल बेलने के बाद इस पर हम अपना ये देसी घी है हमारे पास, ये अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी लगा सकती हैं। देसी घी लगाने के बाद थोड़ा सा ये आटा है, खुश्क आटा, ये हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। इससे हमारे पराठे की लेयर्स बड़ी अच्छी बनती हैं। और इसके बाद ये हमारे पास 3 टेबल स्पून के करीब ये शुगर है, ये डाल देंगे। आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छी तरह शुगर को लगाने के बाद हम इसको इस तरह बंद करेंगे और फिर से थोड़ा सा घी जो है वो अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त बनेगा। एक साइड से उठाएंगे, इस तरह आप दबाएंगे और इस तरह आप अपने पेड़े को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी जो लेयर हैं वो बन चुकी हैं। और इसी तरह का हम दूसरा पेड़ा भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 2 हमने पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको 1 बाय 1 उठाएंगे और इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, हल्के हाथों से इसको हम बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक अपना पराठा बना लिया है। इसी तरह हम सेम दूसरा भी बना लेंगे और दोनों को इकट्ठे ही फ्राई कर लेंगे। चले आए फ्रेंड्स, हमने दोनों पराठे तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। चूल्हे पर हमने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो बड़े फ्राई पैन में, जिसके चाहे आप इजीली इसको बनाना चाहें बना सकते हैं।
तो जैसे ही हमारा ये पैन गरम होता है, इस पे हम अपना पराठा डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त और मज़े का ये बनता है मीठा पराठा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाएं आप उसको, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक तरफ हमने घी अप्लाई कर दिया था, अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह घी को अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकती हैं, लेकिन घी में ये बहुत ज़्यादा अच्छे और क्रिस्पी बनते हैं। देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये इसकी लेयर्स किस तरह खुल रही हैं हमारे पराठे की, ये देखें मैं आपको दिखा सकूं, ये इसकी लेयर्स ही हैं जो अंदर तक देखें खुल रही हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और क्रिस्पी है ये। एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है, इसी तरह का हम दूसरा पराठा भी तैयार। देखें फ्रेंड्स, हमने दूसरा पराठा भी डाल दिया है, बिल्कुल उसी तरह हम इस पर भी घी अप्लाई करेंगे और इसको पलट देंगे। पलटने के बाद इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह घी अप्लाई करेंगे और इसको हल्के हाथों से हिलाते जाएंगे। देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी पराठा बनके तैयार हो रहा है। और यकीन जानिए ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार चीनी पराठा बनके तैयार है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।